ज मार्किटिंग एंड सेल्स प्लान मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान बेसिकली आइडेंटिफाइज द गोल्स एंट्रप्रन्यर के गोल्स क्या हैं और वो क्या मार्किटिंग स्ट्रैटी बना रहा है और मार्किटिंग एंड सेल टेक्टिक्स क्या हैं विच विल बी यूज टू approach the market segment best fitted the startups technology and application ke jo uh, startup uh, application lekar aa raha hai jo product lekar aa raha hai technology pe based jo innovative product hai उसके लिए uh, जो segment uh, of customers जो उसको लगता है कि ये they can be the potential customers उनके लिए आ, वो क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा और बेसिकली स्टार्टअप के गोल्स क्या हैं और आ, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है ये आ, ये ज़रूरी है कि इस स्ट्रेटजी को लिख लिया जाए ताकि अगर ये लिखा हुआ होगा तो ये एक रोड मैप की तरह होगा जो कि गाइड करेगा एंटरप्रेन्योर को भी और उसकी टीम को भी एक स्ट्रक्चर मिलेगा for the, you know, for the uh, uh, proper management of the marketing activities um, in the in the startups so it helps to uh, create product awareness and market presence it helps to approach and persuade potential customers and it helps to clearly specify the product and its customer value तो ये स्ट्रैटिक प्लान जो है उसका होना ज़रूरी है ताकि कस्टमर वैल्यू आइडेंटिफाई हो सके और कस्ट जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो आ, उनको आप अप्रोच कर सकें और परसुएड कर सकें और इसके साथ साथ अपनी प्रोडक्ट से मुतलिक अवेयरनेस क्रिएट करें मार्केट के अंदर तो दिस प्लान शुड बी रिटर्न डाउन नॉट मोर देन वन टू टू पेजेस इट कैन बी एक्सपेंडिड एज़ मोर एजाम्शन्स आर वैलीडेट पर टर्निंग टू टारगेट कस्टमर एंड देयर नीड्स कस्टमर वैल्यू एंड अबाउट न्यू प्रोडक्ट एप्लीकेशन अभी चूँकि सारी चीज़ें फ्लूड है uh, और आप कुछ एजाम्पशंस हैं जिसपे स्टार्टअप काम कर रही है तो जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आप लिख लें और uh, मुख्तरा लिख लें और जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे जैसे जैसे इट्रेशन करेंगे जैसे जैसे आपकी एजम्शनस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट रिगार्डिंग द मार्केट साइज रिगार्डिंग द कस्टमर्स बिहेवियर वो वैलिडेट होती रहेंगी वैसे वैसे जो ये जो प्लान है इसकी इसका जो बाकी इंफॉर्मेशन है जो डिटेल है वो इस प्लान के अंदर शामिल होती चली जाएगी

देट विल बी एब्सट्रैक्ट एंड प्रोबली इंक्लूड ए फ्यू एक्शंस वो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होगा और कॉम्प्रीहसिव uh, uh, नहीं होगा और बहुत ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा लेकिन उसमें बुनियादी चीज़ें लिखी होंगी आपके गोल्स लिखे होंगे आपके स्ट्रेटजीज लिखी होंगी आपके टेक्टिक्स लिखे होंगे और जो एक्शन आपने लेने हैं उसके मुतल बात की गई होगी मार्किटिंग एंड सेल्स लर्निंग विल अकर थ्रू एक्सपैरिमेंटेशन जब आप एक्सपैरिमेंटेशन करेंगे कस्टमर्स का के साथ प्रोडक्ट आइडिया डिस्कस करेंगे कस्टमर को आ, आ, जो है प्रोटोटाइप बना के देंगे आ, जो उसके वेरियस एट्रीब्यूट्स हैं या वेरियस फीचर्स हैं उसके अंदर कोई कमी या ज्यादी करेंगे अपनी प्रोडक्ट एप्लीकेशन में तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी रिफाइन होती चली जाएगी और आपको ये भी पता चलता चला जाएगा कि कौन असल में हमारे इनिशियल कस्टमर्स होंगे और कौन सी जो सेगमेंट्स हैं उसमें हमने प्रोडक्ट को लेके जाना है तो बहुत सी इन्फॉर्मेसन जो है वो आपको मिलेगी तो इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आप अपनी जो मार्केटिंग और सेल्स प्लान है इसको एलेबोरेट करेंगे और इसको इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल से लिख सकेंगे तो एजम्पन्स टू बी प्रिंटेड रेड इन द प्लान एंड कैन बी चेंज टू ब्लैक और ब्लू आफ्टर वैलिडेशन तो इनिशियली जिन एजम्पन्स की बुनियाद पर आप मार्केटिंग प्लान बना रहे हैं आ, वो आप रेड में लिख लें और जब ये एजम्पन वैलिडेट हो जाए इस ये आपको पता चल जाए कि हाँ से मार्केट साइज के हवाले से इनिशियल कस्टमर्स के हवाले से आ, आ, जो प्रोडक्ट के डिफरेंट फीचर्स के हवाले से, से जो कॉम्पिटेटर का जो एक्शन है उसके हवाले से जो कॉम्पिटेटर्स हो सकते हैं उनके हवाले से जो आपके एग्जाम्शंस हैं वो अभी शुरू में आप रेड इंक में लिख लेते हैं विच रिफ्लेक्ट्स के इज़ टू बी वैलिडेटेड और जब वो वैलिडेट हो जाती है जब आप एक्सपेरिमेंटेशन कर लेते हैं फीडबैक और रिस्पॉन्स ले लेते हैं मार्केट से आपके पास इन्फॉर्मेशन और डेटा इकट्ठा हो जाता है तो फिर आप उसको ब्लैक या ब्लू में लिख सकते हैं